आज हो रही हमारी जौ की कटाई। अभी मैं खेत पहुंच गई हूँ और यहाँ देखो ये काट के रख भी दिए हैं। ये मेरी वॉल है, आज मम्मी पहली बार देख रहे हैं। मम्मी कैसी लग रही है? झुमझुत जैसे क्या? आज मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है शॉर्ट में, क्योंकि करेले की सब्जी है। मैं थोड़ी सी खाऊंगी, दो चपातियाँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दिन के 10:30 बजे, 10:30 से ऊपर टाइम हो गया है। और आज है फाइनली वो दिन आ ही गया, वो दिन जिसका मुझे 2-3 हफ्तों से इंतजार था कि कब वो जौ काटेंगे और कब फसल की कटाई होगी। तो आज हो रही हमारी जौ की कटाई। मम्मी और बड़े मम्मी पहले चले गए, मुझे बोला था कि गोबर लेके आई हो, मैंने गोबर भरा है अपने लिए। और आज धूप खिली है, सबसे अच्छी बात तो आज बहुत अच्छी धूप खिली है। देखना ना चारों तरफ का मौसम, देखो कितना मौसम अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से बारिश हो रही थी तो ऐसा ही हो गया था, लेकिन आज बस किनारे पे कहीं बादल है, थोड़े यहाँ हैं और थोड़े इधर को है अब, और बाकी मौसम अच्छा हो गया है। आज हम चलते हैं फसल की कटाई करने। लिली, मम्मी ने बोला इनके पास घास डालने को, तो यहाँ पे रखा है हमने हरा घास, यहाँ से डालेंगे। ये निकालना पड़ेगा। मैं चल पड़ी हूँ खेत, काफी लेट हो गई हूँ यार, मैं क्या करें। चलो सबके अपने अपने काम होते हैं, मैं तो उठती ही लेट हूँ। लवली का चली, लवली मुझे चल तू कैच चलते। लवली भी चली खेत, ये इसके चुन्नू मुन्नू यहाँ पे देख लो, चिग्गू भी है। चिग्गू जा रहा है हेलीकॉप्टर खुले आसमान में। ओए इसमें तो ब्लर हो गया, अब दिखा ये जा। अभी मैं खेत पहुंच गई हूँ और यहाँ देखो ये काट के रख भी दिए हैं। इधर को अभी काटे नहीं है, इधर को काट रहे हैं परे को। ये देखो यहाँ पे ऐसे काट के रखते हैं हमारे यहाँ, जैसे थोड़ा सा एक मुट्ठी सी हो जाएगी इतनी सी, फिर इसको काट देंगे, फिर इसको ऐसे यहाँ से बांध देंगे और फिर इसको हम घर ले जाएंगे। यहाँ देखो ऐसे काट काट के रखे है। इधर मम्मी तो बैठ बैठ के काट रहे हैं। मैं अब भी तो आया आप थोड़ी देर पहले। क्यों आई? थोड़ी देर पहले ही आए आप। सुबह आ गई मैं। नहीं आए आप सुबह। अरे थक गई तो ऐसे कैसे काट रहे हैं आप? ऊपर से काटना पड़ते हैं, तब जानने पड़ते हैं ऐसे तब निकलते ये दाने। तो यहाँ क्यों झाड़ रहे हो? यहाँ ऐसे तो झाड़ रहे मैं, यहाँ अभी तो नहीं निकलते, सूखने। इसमें ऊपर से दाने ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तोतो ने खाए हुए हैं। तो भी काट रहे ये भी है। ये भी इसमें दाने नहीं है ऊपर को, ये तोतो ने खाए हैं, ये भी है ना। और अभी क्या ना, ऊपर पेड़ में 2-3 तोते आए हैं, अब इनको दिख रहा है कि नीचे काटने लग गए हैं, फिर काफी आवाज कर रही ऊपर से, आ गया स्वाद, ऐसे ही होता है। और मेरे पास दराटी नहीं है, मैंने घर से लाई नहीं, मम्मी ने भी मेरे को बोला नहीं कि घर से दराटी लेके आई, मुझे लगा मम्मी लेके गए हैं, मैं आंटी के घर से दराटी लेके आती हूँ अपने लिए, फिर हम काटेंगे जौ। अरे वाले देखो यहाँ क्या मस्त मौसम है यार, यहाँ जाना था मैंने कभी। ये ले आई हूँ मैं अपने लिए दराटी, अब जाएंगे खेत में, अब हम भी काटेंगे। और यहाँ पेड़ में ऊपर तोते बैठे हैं, इनको दिख रहा है कि अब तो ये काट रहे हैं इसको, तो शायद इनको दुख हो रहा होगा। मजा हुआ तुम्हारे को? मम्मी मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि मुझे काटने नहीं आते, पर मुझे काटने आते हैं। तो ये देखो ये मैंने काटे अभी और काटने, अब फोन टाइम लैप्स पे लगाऊंगी। काटने तो आ जाते हैं, यहाँ पे पता क्या होता है, कुछ लंबे होते हैं कुछ छोटे होते हैं, तो एक साथ इनको ऐसे नहीं काट सकते, एक साथ में थोड़े देख देख के काटने पड़ते हैं। तो
तो यहाँ पे लग गए थे हम इनको काटने, काटते काटते हम पहुंच गए आगे, लेकिन अभी निकाल रहे हैं हम घास, क्योंकि अभी गाय के लिए घास निकालना है। तो जो हरे वाले रखे हैं ये गाय के लिए रखे हैं। और मैंने शूट नहीं किया इस बीच में क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, और मैंने फिर आंटी जी के घर पे आके फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था, चार्जर अपने साथ लेके आई थी। पर अब मैं थोड़े जौ काटूंगी, ये लोग थोड़े घास निकालेंगे। ये मैंने निकाल तो दिया पर मुझे ये बांधना नहीं आता है, मैं खुद ही बांधूंगी। ये लोग घास निकाल रहे हैं। तो 3, 4, 5, 6 ऐसे बांधते हैं इसको टाइट। ऐसे ऐसे करते थे, यहां से बांध दिया मैंने एक टाइट, बंद गया लो। तो ये जौ जो हमने अभी काट के हैं तो ऐसे करके मम्मी ने लगा दिए हैं, और ये घर ले जाने हैं। मैं घास ले जाऊंगी, मम्मी ये ले जाएंगे। और समय की बात करें तो दिन के बज रहा है 1, और मेरे धाटू का ये स्टाइल इसलिए है क्योंकि धूप लग रही है बहुत ज़्यादा, तो 1 बज चुका है। अब हम घर जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को फिर से आएंगे। भारी होगा ये मम्मी, गौर कौन तुम ठीक ठाक ही, ये बहुत भारी होगा। लो जो ना काम करो जरूरी नहीं, एक बार नहीं होना, बहुत भारी होगा ये वाला जो मम्मी के पास है। ये देखो ये मेरी छाया है, ये मम्मी की छाया है। और हम लोग ऐसे चले इतनी धूप में, दोनों राम राम से, इतनी चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है अभी तो। और भाई स्ट्रगल बहुत है लाइफ में, गांव की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा है। मम्मी को देखो, मेरे को देखो, हाय। तो ये जो हमने जौ लेके आए हैं अब मम्मी इनको यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ रखेंगे हम इसको फ़िलहाल, क्योंकि ये थोड़े हरे हैं, थोड़े यहाँ थोड़े सूख भी जाएंगे और स्टोर भी आएंगे हो जाएंगे, वहाँ से लेके आने हैं। ये चक्के अपने 3-3, 4-4 चखूंगी मैं तो सिर्फ। लो अच्छा ऐसे रखो, फोन बंद कर देती हूँ यार, व्लॉग के चक्कर में काम थोड़ा स्लो होता है, फिर इनको ऐसे फटाफट से उठा के ले जाऊंगी। अब किल्टा ही ले आऊं परे और क्या, ठीक है अब तुम भी देख लो भाई, किल्टा ही ले जाते हैं परे। चलो भाई किल्टे यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, एक हाथ से उठा लिया, मम्मी तो इसको पीठ में ला रहे थे, मैंने एक हाथ से उठा लिया। हाँ खुद धक्के लग रहे हैं मेरे को। लो तो व्लॉग भी तो बनाना होता है मेरे को, ऐसे रखने हैं। मम्मी ऊपर को क्यों रख रहे हैं इनको, ऊपर को रख के सूखेंगे ऐसे ऐसे, रास्ता रख लेना मेरे रूम के लिए यार। अभी यहाँ से इसको पूरा भर देंगे बालकनी को, ठीक है। और देखो भाई अनप्रडिक्टेबल मौसम, आगे है साफ मौसम और यहाँ हो रही है हमारे बारिश, वो भी बड़े जोरों की। और हमारी गोभी तो देखो, वाह भाई वाह, कितने डिसिप्लिन में है, किसी डिसिप्लिन आदमी ने ही लगाई होगी ये। और क्या चल रहा है यार, कभी जोरों की बारिश हो रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। अभी हमने और खेत जाना था थोड़ी देर में, अब पता नहीं जाएंगे कि नहीं, बारिश हो रही है ऐसी हल्की फुल्की बारिश, ज़्यादा नहीं है, पर जाके फायदा नहीं है, वो गीले हो गए होंगे काटने के लिए। मेरे को थंबनेल बनाने को यार, मैं थंबनेल बना लूँ तो मैं तभी तो तुम उस पर क्लिक करोगे, वीडियो देखोगे। थंबनेल बना लेते हैं गाइस, बारिश तो डेली चली है यहाँ पे। तो शाम हो गई है, 6:30 हो गया, कुछ ऐसा मौसम है अभी, बादल बादल और बारिश नहीं हो रही है। तो डिनर कर रही हूँ अभी, आज मैंने भी डिनर बनाया है, दाल चावल बनाए हैं, मक्खन है और बस यही है, लस्सी भी है, लस्सी मैं बाद में खाऊंगी। ये कैमरा गंदा है, इसको साफ कर लेते हैं। तो अभी बन रहा है ये सीन कि कल मुझे निकलना है शिमला, और उससे पहले मुझे जाना है कल रामपुर, क्योंकि रामपुर में मुझे कुछ काम है, और उससे पहले भी मुझे करना पड़ेगा अपना रूम थोड़ा साफ, और पैकिंग भी करनी पड़ेगी, ज़्यादा सामान नहीं ले जाना है। एक हफ्ते के लिए ही जा रही हूँ मैं शिमला, वहाँ से जल्दी वापस आ जाऊँगी, तो इस करके मुझे ज़्यादा सामान तो लेने जाना है तो, पर लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो ले जाना है, इसकी तैयारी करते हैं।
पैकिंग करते हैं और अभी प्रीति भी आएगी थोड़ी देर में, उससे भी कुछ खाना है, तो देखते हैं क्या क्या होता है। ये मेरी वॉल है, आज मम्मी पहली बार देख रहे हैं। मम्मी कैसी लग रही है? जूत जैसे क्या है? आपको क्या पता इनके बारे में? देखो कितने अच्छे तो लग रहे देखने में, क्या लग रहे आपको? मेरे लिए तो जमजूत है ये, बाकी तो जमजूत। मम्मी ध्यान से देखो, मेरी नजरों से देखो, मेरी नजरों से। तेरी नजर से क्यों देखना, अपनी नजर है मेरी आपकी। अच्छी है आपकी नजर। एक कितनी क्यूट लड़की है, दिख रही है ये? कौन ये वाली? ये छोटे रिश्ते लागे दे, रिश्ते लागे दे जो काया, जो काया का छोटे की छोटू आ छोटू जो। मम्मी को मैंने पूछा ये लड़का है कि लड़की है, मम्मी बोलते है ये तो लड़की है पर ये लड़का है, इसका नाम ग्यू है, ग्यू टॉमियो का। मम्मी ये आपका ज्वाइन यार, ये वाला जिसकी मैं उंगली कर रही हूँ, ये नीचे साफ सफाई कर रहा है। इस ये है मम्मी का ज्वाइन, ये वाला बंदा देख के रखो अभी, फिर नहीं बोलना कि जमजूत शादी कर रही है। और ये विया का, विया के लिए है स्टडी टेबल भाई, कल विया का बर्थडे है, मेरी भतीजी का बर्थडे है कल, तो मेरे रूम पैकिंग कर रही हूँ अपने थोड़े बहुत कपड़े, ज़्यादा कपड़े नहीं ले जाऊँगी मैं इस बार, कम से कम कपड़े ले जाऊँगी क्योंकि हफ्ते बाद तो मेरे को वापस आना ही है। तो चलो फिलहाल के लिए फ़ोन लगाती हूँ चार्जिंग पे, ईयरफोन भी कर लेती हूँ चार्ज। तो रात के बज रहे 10:30, ये आज यहाँ पे है प्रीति मैडम, आज हम दोनों यहीं सोएंगे और व्लॉग करती हूँ एंड। कुछ बोल दे भाई, तू ही बोल दे। बाय गाइस, देखो गाइस, बाय गाइस। तो अभी ठीक है, फिर आज का व्लॉग करती हूँ एंड। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को तो लाइक करो, शेयर करो और बस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। और क्या बोल सकती हूँ मैं, कुछ तो बता भाई मेरे को, क्या बोलूँ मैं। और चल फिर ये बता तेरे को कैसे लगी ये वॉल, ये कैसे लगे? मैं तो इनको कुछ किसी को भी नहीं जानती, ये इसकी दुनिया में ये सारे एलियन है और ये वो है, वो क्या बोलते हैं उनको पता? हाँ, इसको पता है पर इसे शायद अपनी जान प्यारी नहीं है क्योंकि प्रीति ने आज इनके बारे में को ऐसी मीम भेजी थी ना बीटीएस से रिलेटेड। आज रात प्रीति अगर नहीं बची तो समझ लेना कि इसका मर्डर हो चुका है।